हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल दैट्स कॉल अ गर्ल और मैं हूं कांक्षा। आज की इस वीडियो में मैं कपीवा एक्ने ईज़ जूस का क्विक रिव्यू आपके लिए लेके आई हूं। इस एक बॉटल में आपको इतने अच्छे हर्ब्स मिल रहे हैं जो कि अगर आप डेली बेसिस पे कंज्यूम करते हैं तो आप हेल्दी इनसाइड एंड ब्यूटीफुल आउटसाइड रहेंगे। इस जूस को आपको डेली 30 ml क्वांटिटी एक गिलास पानी में मिक्स करके दिन में दो बार अपने खाने के बाद यानी कि मील्स के बाद लेना है। इस बॉटल में आपको एलोवेरा, नीम, टर्मरिक एंड मजिस्था जैसे हर्ब्स मिल रहे हैं। एलोवेरा बहुत सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज तो रखता ही है, इसके साथ साथ फाइबर रिच भी होता है। यह आपकी स्किन को मॉइस्चराइज और रिपेयर करने में हेल्प करता है। टर्मरिक एंटी इन्फ्लेमेटरी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी रखती है। नीम आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करता है और स्किन बैरियर्स को रिपेयर करता है। मजिस्था ब्लड प्योरिफिकेशन का काम करता है और इसीलिए एक्ने को रिड्यूस करने में आपकी हेल्प करता है। कपीवा एक्ने ईज जूस की एक लीटर की क्वांटिटी आपको 549 रुपीस में मिलती है। डेढ़ साल इसके साथ आपको शेल्फ लाइफ मिलती है। आपको इस जूस की 60 ml क्वांटिटी डेली कंज्यूम करनी है, जिससे ये एक लीटर जो क्वांटिटी है वो आपके लिए हार्डली 15-16 दिन लास्ट करेगी। कपीवा ब्रांड के हर्बल आयुर्वेदिक जूसेस मैं पिछले 6 महीने से यूज कर रही हूँ। इनके प्रोडक्ट में आपको किसी भी टाइप का हार्मफुल केमिकल नहीं मिलता है। ये वेगन है, GMP सर्टिफाइड है, नॉन GMO है, कोई आर्टिफिशियल कलर, फ्लेवर या फिर शुगर इसमें ऐड नहीं की गई है। इसीलिए हो सकता है कुछ लोगों के लिए इन जूसेस को लेना थोड़ा सा मुश्किल हो, क्योंकि इसमें कोई भी एडिशनल फ्लेवर आपको नहीं मिलता है। अभी तक मैंने कपीवा के गेट स्लिम जूस, एलोवेरा जूस, आमला जूस एंड हेयर केयर जूस कंज्यूम किया और चारों ही प्रोडक्ट मुझे काफी अच्छे लगे हैं। अब मुझे लगता है कपीवा के सारे जूसेस में से ये सबसे ज्यादा कलरफुल है। इसका कलर एकदम ऑरेंज जूस जैसा लगता है, लेकिन इसके कलर पर मत जाइए। ये स्ट्रॉन्ग हल्दी का कलर इसमें है और जब आप इसे लेते हैं तो आपको स्ट्रॉन्ग हल्दी की स्मेल भी इसमें से आती है। इसे लेने का तरीका काफी ज्यादा इजी है। जैसे कि आपको पता है कपीवा के सारे ही जूसेस को आपको 30 ml क्वांटिटी 250 से 300 ml पानी में मिक्स करके डाइल्यूट करके कंज्यूम करनी होती है। इस जूस को आपको खाने के बाद लेना है दिन में दो बार। मैं इसे दिन में सिर्फ एक बार लेती हूँ क्योंकि मैं कपीवा का हेयर केयर जूस कंज्यूम कर रही हूँ जो मेरे बालों के लिए काफी ज्यादा अच्छे से काम कर रहा है। इसीलिए इस जूस को मैं सिर्फ दिन में एक बार लंच के बाद ले रही हूँ। पानी मिक्स करने के बाद आपकी ड्रिंक इस तरीके से तैयार हो जाती है और क्योंकि इसमें हल्दी है तो आपके गिलास पे हल्दी का हल्का टिंट रह जाता है। इस ड्रिंक को आपको इजीली कंज्यूम कर लेना है। इसका टेस्ट इनिशियली आपको ज्यादा अच्छा नहीं लगेगा और पीने के बाद तो थोड़ी देर तक आपके मुंह में हल्की सी हल्दी का असर रह जाता है। जब आप इस ड्रिंक को लेते हैं तब आपको थोड़ी ये माइल्ड लगती है, डाइल्यूटेड लगती है, लेकिन इस ड्रिंक को खत्म करने के बाद थोड़ा सा वो हल्दी का फ्लेवर, स्ट्रॉन्ग फ्लेवर आपके मुंह में रह जाता है। और एलोवेरा भी एक्चुअली कड़वा होता है तो ये जो जूस है वो थोड़ा सा कसैला साइड में आता है, लेकिन कपीवा के साथ जो मेरा एक्सपीरियंस है वो काफी ज्यादा अच्छा रहा है। इसीलिए इस जूस से भी मुझे काफी उम्मीद है। क्योंकि इस जूस को मैं दिन में सिर्फ एक बार लेने वाली हूँ तो ये एक लीटर क्वांटिटी मेरे लिए 20 से 25 दिन लास्ट करेगी और मैं 10 से 15 दिन बाद अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगी। मेरी स्किन एक्सट्रीमली ऑयली और एक्ने प्रोन है, इसीलिए मुझे लगता है मैं एक सूटेबल कैंडिडेट हूँ ये एक्ने ईज जूस को टेस्ट करके रिव्यू करने के लिए। So yeah, that's all for today's video. See you. Bye-bye.